हेलो व्हाट्सअप गाइस, कह रहे सभी की सभी। तो वेलकम है अपनी एक और नई सीरीज में। तो गाइस इस सीरीज का नाम होने वाला है रूलर सीरीज। तो गाइस इस सीरीज में आपको नेक्स्ट लेवल का मजा आने वाला है, तो इसीलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए ज्यादा देरी करते आज की अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अरे अब और कितना काम करोगी एंजल? जोकर, शुक्र है कि तुम आ गए, मुझे बहुत फिकर हो रही थी तुम्हारी। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि कोई फिकर करने वाली बात ही नहीं है। उस जी क्लैन वाले साइंटिस्ट को मैंने ठिकाने लगा दिया है हमेशा के लिए, अब वो हमारे परिवार को कभी दिक्कत नहीं दे पाएगा। मगर एक बात है जो मुझे तुम्हें अभी बतानी है। क्या चीज बतानी है? आखिर बात क्या है जोकर? उस साइंटिस्ट के पास काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी, और तो और वो जो सिल्वेनस की बेटी हमें मिली थी वो भी उसके कब्जे में थी। उसने उसकी पावर्स का गलत इस्तेमाल करके एवलांच और पोसाइडन को वापस जिंदा कर दिया। क्या? पोसाइडन और एवलांच को वापस ले आया? मैं समझ नहीं पा रही ये कैसे पॉसिबल हुआ। मुझे पता नहीं था कि उसके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी होगी, और ये भी नहीं जानता था कि उस सिल्वेनस की बेटी के पास इतनी अनोखी पावर्स होगी उसके फादर की तरह। अगर ऐसा है तो जोकर ये तो अच्छी बात हुई ना? हाँ अच्छी बात तो है, मगर उस साइंटिस्ट ने उन दोनों की याददाश्त के साथ जरूर कुछ किया है, क्योंकि उनको कुछ भी याद नहीं था हमारे बारे में, और ऊपर से वो फेरो और मुझे ही मारना चाहते थे। मगर फेरो के साथ जब उनकी फाइट हो रही थी तो वो तीनों काफी ज्यादा जख्मी हो गए थे, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो दोनों भी वहाँ से जा चुके थे। कोई बात नहीं जोकर, हम किसी भी तरह कोई भी तरीका ढूंढ ही लेंगे जिससे वो ठीक हो जाए, तुम फिकर ना करो। वैसे एंजल बच्चे दिखाई नहीं दे रहे कहीं पे, वो अभी तक वापस नहीं आए क्या? वो दोनों घूमने के लिए बाहर गए हैं, अभी आते ही होंगे। तुम एक काम करो, जाकर आराम से सो जाओ, थक गए होगे ना, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। हाँ सही कहा तुमने, मुझे अब थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। हाय लोग, मुझे ना एक बहुत ही झकास प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला है जिसका नाम है unipin.com। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप और मैं यूसी बाय कर सकते हैं एकदम सेफली, क्योंकि ये है क्राफ्टन अप्रूव्ड। बट यूनिपिन से यूसी लेना चाहिए? जी हाँ गाइस लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग दे रहे हैं बोनस यूसी। अगर आपने 1200 यूसी खरीदा तो आपको मिलेगा 1440 यूसी। अगर आप BGMI की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ भी आपको ये देखने को मिल जाएगा बाय एट यूनिपिन। इस पे क्लिक करने के बाद मैं आ जाऊंगा unipin.com पे। फिर उसके बाद आपको BGMI टॉप अप सिलेक्ट करना होगा, फिर अपनी यूजर आईडी डाल देना भाई जो गेम की होगी, उसके बाद अपना मेल भी एंटर कर देना, उसके बाद आपको जौन सा भी यूसी पैक चाहिए उस पे सिलेक्ट कर लेना। तो नीचे आओगे तो आपको मिल जाएंगे मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस। तो मैंने फोन पे सिलेक्ट कर लिया है, तो फिर उसके बाद आपसे यहाँ पे कंफर्मेशन मांगेगा तो ये कर देना, फिर सीधा फोन पे की पेमेंट वाली ऑप्शन पे ले जाएगा, फिर उसके बाद अपना पिन डालना और पेमेंट हो जाएगी, फिर इंस्टेंटली मेरे BGMI अकाउंट में भी यूसी आ जाएगी। और गाइस यूनिपिन चाहते हैं मेरे दो सबसे एक्साइटेड फैंस को रॉयल पास मिले, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। गिव अवे इंस्टाग्राम पे होगा जहां आपको आपके स्क्वाड के साथ एक अच्छा इमोट डांस रील बनाना है, एंड आपके सब स्क्वाड मेंबर्स को टैग करना है, प्लस यूनिपिन को भी टैग करना है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुझे भी टैग करना है, और दो लकी फैंस को मिलेगा रॉयल पास सीधा यूनिपिन से। मेक नो बहाना, जस्ट unipin.com को ही अपनाना। और हाँ गाइस यूनिपिन को इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ भी चल रहा है 25 रॉयल पास का गिव अवे, तो अभी जाइए और चेक करिए। तो गाइस इंतजार किस बात का, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाइए एंड अभी यूसी टॉप अप करिए। आखिर ये मीरामार में हो क्या रहा है? ये इतनी बड़ी चीज आखिर यहाँ आई कैसे, और ये इतना बड़ा पोर्टल आखिर यहाँ अचानक कैसे खुल गया? अचानक ये सब हो क्या रहा है मीरामार में, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। एक काम करता हूँ, जोकर से बात करता हूँ इसके बारे में। अरे यार अभी अभी तो लेटा था सोने के लिए, अब किसका फोन आ रहा है? ये तो फेरो का है। हाँ फेरो बोलो क्या हुआ? जोकर तुम्हारे मैप में भी ये सब हो रहा है क्या जो यहाँ पे हो रहा है? क्या मतलब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आया मुझे, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? अरे तुमने बाहर जाके देखा नहीं क्या अभी तक? आसमान में एक बड़ी सी शिप तैर रही है, पोर्टल्स खुल रहे हैं, अलग अलग गेट्स बन रहे हैं। अरे तुम ये सब क्या कह रहे हो?
आसमान में शिप तैर रही है, पोर्टल्स खुल रहे हैं, क्या आखिर क्या हो क्या गया तुम्हें? अरे तुम बाहर जाके चेक करो एक मिनट, वहाँ भी ऐसा हो रहा है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, चेक करता हूँ। अरे ये क्या, ये इतना बड़ा पोर्टल आखिर यहाँ पे खुला कैसे? अब समझ में आया तुम्हें जोकर, कि मैं आखिर कहना क्या चाहता था तुम्हें? हाँ हाँ मैं समझ गया। अरे अरे तुम यहाँ क्यों खड़े हो? हाँ अरे ये क्या चीज है जोकर? ये तो मुझे भी नहीं पता एंजल, मुझे तो अभी फेरो ने कॉल करके बताया कि ऐसा कुछ हो रहा है वहाँ पे भी। मुझे तो लगता है जोकर ये उस साइंटिस्ट का ही काम है, तुमने बोला था कि जरूर उसने कुछ ना कुछ तो किया है जिसकी मदद से अब बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। हाँ हाँ सही कहा तुमने, उसने जरूर किसी को वापस बुलाया है या तो फिर किसी को जिंदा किया है। जोकर अगर मैं आपको सेफ रखना चाहते हो तो इन चीजों पे नजर बना के रखना, क्योंकि क्या पता ये हमारे मैप्स पे हमला करने के लिए ही हो। हाँ सही कहा तुमने फेरो, इन पे नजर बना के रखनी पड़ेगी हमें। और हाँ जो भी ये सब कर रहा है उसके बारे में भी हमें पता लगाना पड़ेगा जोकर, कि आखिर वो है कौन और वो आखिर चाहता क्या है हम सबसे, और ये सब चीजें वो क्यों भेज रहा है। सही कहा तुमने फेरो। ठीक है तो फिर मैं अभी इस शिप का पीछा करने जा रहा हूँ, देखता हूँ कि आखिर ये कर क्या रही है पूरे मीरामार में। हाँ यहाँ पे भी एक शिप है, मैं भी इस पे नजर बना के रखता हूँ जब तक। उस साइंटिस्ट की तो मरते मरते भी पता नहीं ये उसने क्या काम कर दिया जो ये सब हो रहा है अब। क्या क्या मतलब उस साइंटिस्ट का काम है, वो तो मर चुका है ना? मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया एंजल, उस साइंटिस्ट ने मरने से पहले जरूर कुछ ऐसा काम किया है जिससे ये सब हो रहा है। या तो उसने किसी को जिंदा किया है जो ये सब कर रहा है, या तो फिर उस साइंटिस्ट का ही प्लान था ये पहले से। तो अब हम आखिर क्या करेंगे जोकर? ये तो मैं भी नहीं जानता एंजल कि आखिर इसको अब रोके कैसे, और सबसे बड़ी बात इन सब के पीछे आखिर है कौन। आपके वापस आने की खुशी में पूरा शहर जश्न मना रहा है मेरे मालिक, हमें उम्मीद थी आप एक ना एक दिन वापस आएंगे जरूर, और हमें पता है इस उम्मीद को कभी आप टूटने भी नहीं देंगे। आपका स्वागत है मेरे राजा, मेरे मालिक। आपका हम इतने सालों से इंतजार कर रहे थे। तुम लोग बिल्कुल भी नहीं बदले, और ये पूरा शहर भी वैसा का वैसा ही है अभी तक। हम सभी आपकी वापसी पे काफी ज्यादा खुश हैं, मगर ये सब चमत्कार आखिर हुआ कैसे मेरे मालिक? एक साधारण इंसान की मदद से मैं फिर से वापस आ पाया हूँ। बॉस ये तो मुझे पता है कि आप इस पेटी को वापस जिंदा करना चाहते हैं, मगर जोकर और फेरो के ब्लड से और इस लड़की की पावर से आखिर इस पेटी में ऐसा क्या खास है जो ये सब चीजें इसमें लग रही हैं? तुम्हें पता भी है कि आखिर ये किसकी पेटी है? नहीं मुझे नहीं पता इसके बारे में। तुम यूँ समझ लो, जब ये पूरी धरती बन रही थी तब हायर गॉड्स ने एक अपना अंश भेजा था यहाँ पे क्रिएशन करने के लिए। मतलब ये पेटी उस इंसान की है जो इस अर्थ पे सबसे पहले आया था? हाँ हाँ तुम यूं ही समझ सकते हो, वैसे इसकी एक पार्टनर भी थी पर मुझे उसकी पेटी कहीं नहीं मिली, पर इसकी मिल गई और अब हम इसे अपनी जी क्लैन में शामिल कर सकते हैं फिर से जिंदा करके इस लड़की की पावर की मदद से और उन दोनों के यूनिक ब्लड की मदद से। अच्छा अब मैं समझा डॉक्टर कि आपका प्लान क्या है। समझ गए ना, तो जाके जल्दी से सब रखो उस पेटी में और हट जाओ यहाँ से। ठीक है डॉक्टर। तो चलो फिर अब वापस जिंदा किया जाए इस बेहतरीन
अंश को। फाइनली आखिर मेरा प्लान कामयाब हुआ। ये क्या, आखिर मैं ये सब फील कैसे कर पा रहा हूं? मैं क्या जिंदा हो चुका हूं? ओ साधारण इंसान, आखिर मैं हूं कहां पे और ये जगह कौन सी है? ये क्या, इसे क्या हुआ अचानक? मेरा डिवाइस क्या काम नहीं कर रहा? इसे सब कुछ याद है क्या? मैंने कहा कि मैं कहां पे हूँ, ये वो जगह नहीं जहाँ पे मैं रहा करता था। मेरे सम्राट, दरअसल ये नूसा मैप है और हमने मिलकर आपको फिर से जिंदा किया है मेरे सम्राट। डॉक्टर, तुम्हारा डिवाइस लगता है इस पे काम नहीं कर रहा, शायद इसको अपना पिछला सब कुछ याद है। अबे साले मुंह बंद कर अपना। क्या कहा? अरे नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं कह रहा था। तो आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच में बोलने की? मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई। मुझे पसंद नहीं कोई बीच में टोके मेरी बातों के। बकवास कहीं का। तो तुम क्या कह रहे थे, तुमने मुझे वापस जिंदा किया कैसे? दरअसल कुछ टेक्नोलॉजी की मदद से और इस लड़की की पावर्स की मदद से भी आपको जिंदा किया। क्या, इस लड़की की पावर्स की मदद से? शानदार, तो ठीक है फिर, इस लड़की को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं मेरे सम्राट, मुझे क्या दिक्कत होगी, आप ले जाइए। मैं तो खुश नसीब हूँ कि आपने मुझे छोड़ दिया, आपने मेरी पेटी नहीं बनाई। वैसे मैं तुम्हारी भी पेटी बनाना चाहता था, पर मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि तुमने मुझे वापस लाने में काफी मेहनत करी है। हाँ हाँ, सही कहा आपने। उस इंसान की बदौलत आज मैं तुम्हारे सामने फिर वापस आ पाया हूँ। मानना पड़ेगा कि आजकल के ये इंसान बहुत समझदार हो गए हैं, इन्होंने काफी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। तो अब जब आप वापस आ ही गए हैं, तो अब हमारा आखिर मकसद क्या होगा मेरे सरकार? तुम आखिर भूल कैसे गए कि आखिर हमारा मकसद क्या था? मुझे माफ करना मेरे हुजूर, मुझसे गलती हो गई। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, उन हायर गॉड्स की बर्बादी और उनकी ये प्यारी सी दुनिया जो उन्होंने इतनी मेहनत से बनवाई थी, उसे भी तो तबाह करना है हमें। हाँ हाँ, आपने एकदम सही कहा, मगर मेरे हुजूर, उन हायर गॉड्स ने फिर से किसी को भेजा हमें मारने के लिए, तो हम क्या करेंगे? तो इस बार भी उन हायर गॉड्स के अंश को मार दिया जाएगा। तो अब हमें आखिर आगे करना क्या है मेरे मालिक? तो जाओ उस प्यारी सी दुनिया को तबाह करो हर जगह से। उन हायर गॉड्स को भी पता लगना चाहिए ना कि आखिर कौन वापस आ चुका है। जी हम समझ गए आपकी बात, समझ गए, हम अभी जाते हैं। अब पता चलेगा ना इनको कि आखिर इन्होंने किससे दुश्मनी मोल ले ली थी, और अगर आज के टाइम पे उस धरती पे हायर गॉड्स के अंश हुए तो उन्हें भी एक एक करके मार दिया जाएगा। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बता दो। अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर देना, और जिन जिन भाई लोगों ने इस वीडियो में हेल्प करी भाई सभी का थैंक यू वीडियो में काम करने के लिए। और इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगा, तो वेट करना, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।